चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बॉयज एंड गर्ल्स। स्टूडेंट्स अभी हमने जो मैगनम किया वो था मैगनम नंबर कौन सा? 5। तो मैगनम नंबर 5 के बाद मैगनम नंबर मैगनम नंबर जो है पहले हम करेंगे 10, उसके बाद ऊपर के जीरो मैगनम बहुत आसान है, प्लस माइनस करना है। पहले मैगनम नंबर 10 करते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। मैगनम नंबर 10 में क्या कहते हैं? रॉकेट। भाई इधर देखो, रॉकेट की बात हो रही है। कहते हैं अ रॉकेट ऑफ मास 2 kg, ज्यादा छोटा रॉकेट नहीं है। रॉकेट ऑफ मास 2 kg, बहुत ही कम मास है भाई। रॉकेट ऑफ मास 2 kg, 2 kg का रॉकेट है। आगे बढ़ते हैं, क्या बादल बनाने वाले के मैटर से। रॉकेट ऑफ मास 2 kg ग्राउंड से इन एयर में जो हाइट ऑफ 15 मीटर और इसमें जो हाइट है वो कितने मीटर की? 15 मीटर सर। तो आकाश में जितनी 2 kg का कागज रहेगा, 15 मीटर में जाके भाईजान तुम हो गए 15 मीटर। द 400 जूल ऑफ केमिकल बर्न बेटा, 400 जूल का बर्न हो गया। 400 जूल का क्या हो गया? जूल में क्या होता है? बर्न होता है। अब मेरी पास सुनो, आपके पास मास कितनी है, हाइट कितने मीटर ली है इसने? 15 मीटर का जो बॉयज एंड गर्ल्स ए पर फोकस करो, और बर्न 400 जूल है। आगे कहते हैं फाइंड द स्पीड ऑफ रॉकेट एट मैक्सिमम हाइट। बताओ मैक्सिमम हाइट पे इसकी स्पीड क्या होगी? बहुत सिंपल है ये सवाल, और बहुत आसान है, और बहुत सिंपल तरीके से ये सवाल सॉल्व हो जाएगा। मुझे एक बात बताओ, क्या इधर देखो, इधर टॉम बॉयज इधर, क्या मैं कह सकता हूँ कि जो वर्क डन होता है वो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी को प्राप्त होता है? जी सर, आपकी बात करने की चाहते तो वर्क, या फिर अगले स्टेप में मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ कि वर्क डन बराबर होगा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, मीटर पर सेकंड।